इस वीडियो में जानेंगे कि हम पासवर्ड बनाने के टाइम में हम दूसरा अपॉइंटमेंट कैसे दें। बस आपको लॉगिन करना है यूज़र आईडी डालने के बाद। सेकेंड, आपको पासवर्ड डालना है और कैरेक्टर डालना है। कैरेक्टर डालने के बाद आपको लॉगिन करना है। ध्यान में रखिएगा, आप पासवर्ड बनाते हो तो आप 3 अपॉइंटमेंट ले सकते हो, टोटल 3 अपॉइंटमेंट रहता है। तो आप व्यू और फिर सबमिटेड अपॉइंटमेंट पे जाना है एप्लीकेशन पे, और आपका एप्लीकेशन सिलेक्ट करना है और नीचे आप देख सकते हो पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट क्लिक किया। तो वहाँ पे क्लिक करना है, आप वीडियो एंटर लिखिएगा। यहाँ पे यू हैव टोकन अपॉइंटमेंट, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका लोकेशन सिलेक्ट करना है, एरिया सिलेक्ट करना है, एड्रेस डालना है और कैरेक्टर डालना है। मेरा अंधेरी है, मैं अंधेरी डाल रहा हूँ। देन आपको नेक्स्ट पे सिलेक्ट करना है। आप 3 अपॉइंटमेंट से ज़्यादा बुकिंग नहीं कर सकते, ध्यान में रखिएगा। आपका जो भी राउंड रहता है उसमें एक पहला दूसरे राउंड में ही आप क्लियर हो जाओगे। यहाँ पे अभी आपको डेट सेलेक्ट करना है कि आपको कौन से डेट पे चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे जो ग्रीन कलर का जो दिखा रहा है वो बुकिंग आप बुक कर सकते हो, डेट जो रेड कलर का है वो नहीं आप कर सकते, ऑलरेडी बुकेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पेमेंट कंफर्मेशन कर चुका है। आप यहाँ आपको यही प्रिंट आउट करके आपको लेके जाना है, ठीक है। और यदि कुछ क्वारी रहेगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझे।